हिंदू महासभा से कांग्रेस में आए बाबूलाल चौरसिया पर कांग्रेस की अब जमकर किरकिरी हो रही है। बाबूलाल के कांग्रेस में आने को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध कर रहे हैं, वहीं इस मामले में जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह से सवाल किए गए तो उनकी भी जुबान लड़खड़ा गई। पहले तो दिग्विजय बोले उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जब उनसे अरुण यादव को लेकर सवाल किए गए कि अरुण यादव नाराज क्यों हैं, तो दिग्विजय ने बात घुमा दी और बोले कि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को गोडसे को देशभक्त बताती हैं। इस पर संवाददाता ने काउंटर कर दिया कि तब तो आप विरोध करते थे, अब चुप क्यों हैं? तो दिग्विजय बोले, हृदय परिवर्तन हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं। सुनिए आप भी। बापू हम शर्मिंदा हैं जो हिंदू महासभा के लीडर को कमलनाथ ने ज्वाइन करा। देखिए ये बात अरुण यादव, देखिए कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से गांधीवादी पार्टी है। नाथूराम गोडसे का जो मंदिर बना रहे हैं, नाथूराम गोडसे को जो महामंडित कर रहे हैं, क्या प्रज्ञा जी का आपने बयान नहीं सुना था? वो तुमको राष्ट्रभक्त कहती है। वही तो सर, उसका भी विरोध हुआ था, सब जगह विरोध हुआ था। हम पूरा विरोध करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, ज्वाइन कराएंगे। बात यह है जो इस बारे में आप कांग्रेस संगठन हमारे जो प्रवक्ता उनसे बात करिए। लेकिन सर आप भी हमेशा गांधी जी की बात करते हैं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ। सर ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है जो मूर्ति बनवा रहे हैं। अगर कोई हृदय परिवर्तन होता तो क्या किया जाए? आपको बता दें कि हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि बापू हम शर्मिंदा हैं। साथ ही एमपी तक से बातचीत में भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अरुण यादव के अलावा खुद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट करके लिखा था कि गांधी के हत्यारों की पूजा करने वालों की जगह पार्टी में नहीं जेल में होनी चाहिए। मतलब ये कि कुल मिलाकर बाबूलाल चौरसिया की वजह से कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।